है, जिंदा है, जिंदा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है, क्योंकि भाई को हर एक सिचुएशन में बिंदास रहने की आदत है और लोगों की हेल्प करने की भी आदत है। तो गाइस, आज इस ब्लॉग में मैं बात करने, ये ब्लॉग नहीं है एक्चुअली, एक एक्सीडेंट वीडियो है, ठीक है। तो मैं आज कुछ दिखाने वाला हूँ आप लोगों को और बताने वाला हूँ। और एक लड़का का एक्सीडेंट हुआ था बीच बगान के अंदर सुनसान सड़क पे, और ये ख़तरनाक हादसा था। तो गाइस, अगर कभी आपको ऐसा सिचुएशन हैंडल करना पड़े तो आप लोग प्लीज़ मत डरिए। और ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं यहीं पे इंट्रो पे, तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ एंडिंग तक देखते रहिए, क्या हुआ क्या नहीं, और आप लोगों को पता चलेगा। उसके बाद मिलते हैं, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं उस एक्सीडेंट को देखने, सही में एक्चुअली में हुआ कि नहीं एक्सीडेंट, अभी जाकर देखते। उसके बाद एम्बुलेंस को अभी तक वो लोग कॉल कर, ऋतिक भैया सब यहीं पर है बर्थडे का घर में, तो वो लोग कॉल कर रहे हैं एम्बुलेंस को। अगर ये सही बात हुआ तो हम लोग उसका जरूर हेल्प करना चाहिए, और हम क्यों नहीं करेंगे, हम करना चाहिए, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी उधर। चलो देखते हैं। और गाइस, आप लोगों से विनती है मेरा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके 10 जन 5 जन 3 जन 2 जन 1 जन जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि कोई इससे उसको डर लगे या कुछ मिले, फ़ायदा हो उसका, और वो भी हेलमेट लगा के चले। प्लीज शेयर करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बंदा को भी शेयर कर तो बहुत है, जितना हो सके पर शेयर करिए इसको। जिंदा है, जिंदा है, हैं कौन सुन ना आई देखा से घोड़ी वाला देख रहा है डांस तक नहीं करें हमरा भाई के ऊपर ले देते मत बोलना है कल खाली मुखा फैला है गिरे थे बाइक नीचे ही गिरे थे मानस तो कोनो करबो ही नहीं। और अभी तक वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो पूरा वीडियो को देखना। और गाइस, अभी तक हमने उसको टच नहीं किया था, जाकर देखा अपू का बात कर, और मिला भी वहीं पे, एक्सीडेंट हुआ सुनसान सड़क पे, और हमने अभी तक टच नहीं किया था, क्योंकि हाल ही में जो हम लोग का जोरा टाउन में हुआ, किसी का मदद करना भी आपको मुसीबत का दावत दे सकते हो आप, तो फटाक से मत करो, और कर रहे हो तो करो, करो मैं नहीं बोल रहा, करना चाहिए, इंसान का इंसान हेल्प करना चाहिए एक दूसरे का, ठीक है। तो कुछ एविडेंस प्रूफ या 2-3-4 आदमी को साथ में रखो, नहीं तो आप भी मुसीबत में फंस सकते हो। तो आगे वीडियो को देखा। जिंदा है मन। तो
तो गाइस आप लोग जैसा कि देख सकते हो वीडियो में, इसने हेलमेट पहना हुआ था फिर भी इसका हालत ख़राब हो गई, इसका सेंस ही नहीं, ये बेहोश हो चुका है, पूरा का पूरा बेहोश हो चुका है गाइस। तो प्लीज़ हेलमेट चला के रखिए और किसी भी सुनसान सड़क पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार आप लोग से, ऐसे स्पीड मत चलाइए नहीं तो आप लोग मौत का भी शिकार हो सकते हो। आई होप सब समझ रहे हैं मेरी बात, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं सबसे। और ख़तरनाक ही हम लोग को यहाँ पर डर लग रहा था क्योंकि हम लोग भी बाइक चलाते हैं और हेलमेट ज़रूर लगाना गाइस, प्लीज़ यार सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। आज अगर ये हेलमेट नहीं लगाता तो इसकी जान की भी बात आ सकती थी। और ये बेहोश पड़ा है, पूरा ख़तरनाक लगा इसको, तो आगे दिखाता हूँ और देखो इसका हालत गाइस। अब इसको हम लोग फटाक से एम्बुलेंस में उठाते हैं, चलो और आगे देखते रहो वीडियो को। अरे गाइस मैं खतरनाक कांप रहा हूँ यार, जाने जाना तू जाने पापू का मन धरी देना और गाइस यहाँ पे मुझसे कुछ बोला ही जा नहीं रहा था क्योंकि ये हादसा देखकर मेरी बोलती बंद हो चुकी थी। ओ माय गॉड, अगर हम लोग, कसम से गाइस, अगर अप्पू यहाँ तक अकेले नहीं आता तो आज शायद हम लोग इतना कुछ कर नहीं पाते। मतलब एक तरफ अच्छा भी लग रहा है क्योंकि हम लोग एक जान बचा रहे हैं, उसके बाद डर भी थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि ये भैया को बहुत ज़्यादा, मतलब इसको बेहोश हो चुका है गाइस ये। तो आप लोग सोच रहे हो ये कितना स्पीड में आ रहा था, शायद आई होप ये मेडिकल तक अच्छे से पहुंच जाए और सब कुछ ठीक हो, नहीं तो यहाँ पे हम लोग की बोलती बंद हो रही थी। एक तरफ हेल्प भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरी तरफ हम लोग को डर भी लग रहा है। तो गाइस क्यों ना डरे, ऐसे सुनसान सड़क पर अगर कोई बंदा ऐसे, मतलब ख़तरनाक गाइस, प्लीज़ यार आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे सुनसान सड़क पे रात तो, और ड्रिंक तो मत ही करेगा, मतलब ड्रिंक मत ही करिए गाइस, और ड्रिंक करके बाइक मत चलाइए और हेलमेट प्लीज़ लगाइए, हेलमेट ज़रूरी है जीवन के लिए। NS220 नंबर NS200 और नंबर 4574 मेरे साथ था पप्पू, पप्पू और मैं। हाँ नहीं नहीं एरा दुए दोनों एरा जे हेरिटेज के पेशेंट के लेके जा से बाइक के में थके ओरा चले गेला। हाँ रे बाइक ओ सुन तो बाकी जे बोलो जे और गाइस मतलब मुझे देखकर अजीब लग रहा है भाई, ऐसे अंधेरी रात में तो आप लोग प्लीज ऐसा काम मत, रुको ऐसा काम मत करना गाइस, अंधेरी रातों में अकेले मत ही जाओ कहीं पे, मत ही जाओ, कसम से मत जाओ आप लोग। ओह माय गॉड,
ये देखो सीन। पूरा जंगल, पूरा बगान के बीच में, और वो देखो लाइट जल रहा है, वो जा रहा है एम्बुलेंस, और ये बाइक पड़ा हुआ। अभी हम लोग फोन कर रहे हैं घर पे, हम लोग का यहाँ से 3 किलोमीटर जैसा घर, तो क्या होगा। चलो दिन जैसे हुआ ये सीन, पहले वो भैया यहाँ पे मारा, उसके बाद ये चाय पेड़ पे लगा छोटे, उसके बाद यहाँ से जाके यहाँ पे मारा था, ये देखो स्पॉट लगा हुआ है, और इधर से कैसे गया वो पता नहीं, पर यहाँ पे था, और ये ओपू घर अकेला आ रहा था। क्या हुआ सीन, तू थोड़ा सा बोल दे। अरे यार क्या बोलूँ, मैं बर्थडे से घर जा रहा था, बीच में बेचारे। तू अकेले था ना पहले? अकेले था, एकदम अकेला घर जा रहा था, तो अरे एक्सीडेंट हुआ तो सोचा हेल्प कर देंगे, डर भी लग रहा था इसलिए कॉल किया, और क्या बता सकते हैं। उसके बाद इसने हम लोग को जाकर फोन किया, उसके बाद हमने इसको बोला कि फटाक से टच मच करो, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो जोराट में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में जो मतलब हादसा हुआ, किसी को हेल्प करना भी मतलब क्या ही बोले, और तो इसलिए हम इसको बोला तू रिटर्न आ जाए। इसके बाद हम लोग पहले आए देखने के लिए, मैं और मायना और ये आया, उसके बाद हम 108 को बुलाकर इधर लेके आए। कसम से गाइस ऐसे ही अकेले कहीं मत जाया करो, और अच्छी बात है कि वो हेलमेट लगा हुआ, तो फिर भी उसका फेस पे ही थोड़ा यहाँ पे लगा है, बाकी कहीं पे नहीं लगा, हम लोग देखा थोड़ा घुटनों पे लगा होगा। ये सीन था गाइस खतरनाक, मुझे तो अजीब सी फीलिंग हो रही है, और तेरे को भी बोला था अकेले मत जा घर। तो गाइस एम्बुलेंस को भेजने के बाद कुछ देर बाद आया पुलिस, तो पुलिस आने के बाद हम लोग इधर इधर फोन लगाते रहे, इधर इधर पुलिस ने हम लोग का बयान लिया कैसे कुछ हुआ, तो हमने जितना हुआ था पहले ओपू आया घर जा रहा था तो वो जो देखा, और हमने आकर जो देखा वो सब बताया पुलिस को, और उन्होंने रिपोर्ट लिखा ऐसे ऐसे सीन है बोल के, ठीक है जो हमने देखा था वही बताया। और उसके बाद पुलिस आने के बाद हम लोग इधर इधर कॉल लगाते रहे, कॉल लगाते लगाते वो पता चला कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ उसी का सामने उसका घर था, उससे लगभग 1.5 किलोमीटर के अंदर ही उसका घर में था, उसका घर था ठीक है। तो लेकिन किसी को पता नहीं था ऐसा हुआ है कुछ, और क्या हुआ वो सुनसान सड़क है, रात को उधर कोई आता जाता नहीं। और गाइस एक बात अच्छा हुआ कि उस दिन हम लोग का इधर हाथी नहीं आया था, गजराज, नहीं तो वही उसका मेन रास्ता है हाथी जाने का। अच्छा हुआ कि भगवान का शुक्र है कि उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है गाइस। बाद में पता चला कि वो उसका घर यहीं पर है, और उसका नाम था कोमल पाइक। तो गाइस एम्बुलेंस जाने के ठीक 10-15 मिनट बाद आया पुलिस, तब तक हम वहीं पे रुके थे, पुलिस का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, एम्बुलेंस को भी पहले फ़ोन किया उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया, तो ये लोग पुलिस हम लोग का भी बयान ले चुके हैं, और बोल रहे हैं कि कैसे देखा किसी ने, तो यही सीन था यहाँ पर, और बाइक का हालत देख सकते हो आप। तो प्लीज़ गाइस ड्राइविंग स्लो एंड सेफ्टी, ओके गाइस। उन लोग का बड़ा भैया है और 2-3 बंदे आए उन लोगों के साथ, उन लोग का घर से, और उन लोग भी पुलिस को बयान दे चुके हैं, तो उन लोगों को हमने बोला आप लोग अभी थाना मत जाइए, आप लोग जाइए फटाक से जोराट मेडिकल कॉलेज, क्योंकि उसको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया शायद। गाइस देखा आप लोगों ने क्या हुआ था सीन, तो एक बात मैं जाने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर कभी आपका ऐसा सिचुएशन होता है और आप ऐसे स्पीड में चलाते हो, प्लीज़ एक और बात सुन लीजिए, हेलमेट ज़रूर लगा के बाइक चलाइए, क्योंकि हेलमेट नहीं होगा तो आपकी जान जा सकती है गाइस, जान भी जा सकती है। और 500 से 3000 का हेलमेट जो मिलता है ना, उससे बड़ा आपका जान है, तो हेलमेट खरीदिए, और किसी का नहीं है तो खरीदिए, और जिसका है लगा के जाइए। आपका बाल खराब होता है, ये खराब होता है, ये अच्छा नहीं लगता, वो मत सोचिए, आपकी जान की परवाह कीजिए पहले तो। और इतना स्पीड में आप सुनसान सड़क में तो बाइक मत ही चलाइए, और प्लीज़ आप बाइक अगर चला रहे तो उससे पहले ड्रिंक व्रिंक मत कीजिए, नहीं तो आपकी जान की कीमत आपकी फैमिली को भोगना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आपकी फैमिली का थोड़ा ध्यान रखिए, और आपका खुद का ध्यान रखिए, आप अगर खुद का ध्यान नहीं रख सकते तो दूसरों को क्या सिखाएंगे, है कि नहीं। तो यही बोलना चाहूँगा, आप लोग
हेलमेट लगा के बाइक चलाइए प्लीज़, ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। जितना भी आजकल यंगस्टर सब बाइक चलाते हैं उससे यही रिक्वेस्ट है कि हेलमेट लगाइए, क्योंकि अगर आपका सर पे लगता है तो सर फटता है और जान भी जा सकता है। तो इस यही पे मैसेज देना चाहूँगा कि हेलमेट जरूर लगाइए। आपसे मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, जितना मेरा सब्सक्राइबर है जितना, और जितना हो सके वीडियो को गाइस शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि ये जो रियल घटना था ये सब तक पहुंचना चाहिए, और हर एक आदमी जो बाइक चलाते हैं उनको अलर्ट करना और सावधान करना जरूरी है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो और एक लाइक करना और कमेंट में करना कि हम लोग ने अच्छा किया या बुरा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।